शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। राज्यसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से ऐलान किया जा चुका है, मतदान का कार्यक्रम जारी किया गया है। 19 जून को राज्यसभा के चुनाव होंगे। 17 राज्यों की 55 सीटों पर राज्यसभा के चुनाव होंगे, जिनमें राजस्थान की 3 सीटों पर भी राज्यसभा के चुनाव होंगे और उसी दिन चुनाव के नतीजे भी आएंगे। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, राज्यसभा के चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जा चुका है। निर्वाचन आयोग ने तारीखों का ऐलान किया है। राजस्थान की 3 सीटों पर भी राज्यसभा का चुनाव होगा। 19 जून को राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान होगा। राज्यसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जा चुका है। राज्यसभा के चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए आपको सीधे लिए चलते हैं न्यूज रूम, जहां पर मौजूद है हमारे संवाददाता दिनेश कसाना। जी दिनेश, चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जा चुका है। कोरोना के चलते तारीखों का ऐलान नहीं हो पा रहा था और आखिरकार अब 19 जून को राज्यसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। बिल्कुल आशीष, देखिए राज्यसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से चुनाव तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। अब 19 जून को राज्यसभा चुनाव के मतदान होगा और उसके लिए भारत निर्वाचन आयोग की ओर से आज अभी तारीख का ऐलान कर दिया गया है। देखिए कोरोना वैश्विक महामारी के चलते चुनाव जो मतदान है वो स्थगित किए गए थे। 26 मार्च को राज्यसभा के लिए चुनाव मतदान होना था, लेकिन कोरोना वैश्विक महामारी के चलते भारत निर्वाचन आयोग की ओर से चुनाव मतदान कार्यक्रम स्थगित किया गया था। हालांकि राजस्थान में भी 3 सीटों पर राज्यसभा के लिए चुनाव होना है। कुल अगर बात की जाए देश में तो 17 राज्यों की 55 सीटों पर राज्यसभा के लिए चुनाव होगा। राजस्थान में 3 सीटों पर होगा, उसके लिए 4 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। 2 कांग्रेस और 2 बीजेपी की ओर से उम्मीदवार मैदान में हैं। कांग्रेस की ओर से केसी वेणुगोपाल और नीरज डांगी चुनाव मैदान में हैं, तो वहीं बीजेपी की ओर से राजेंद्र गहलोत और ओंकार सिंह लखावत को चुनाव उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं बात की जाए तो देखिए कोरोना वैश्विक महामारी के चलते ये चुनाव स्थगित हुए थे। हालांकि इनके नॉमिनेशन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, नामांकन की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद ये चुनाव कार्यक्रम स्थगित हुआ था। ऐसे में अब चुनाव मतदान के लिए तारीखों का ऐलान हुआ है और 19 जून को ये चुनाव मतदान होगा। उसके लिए 19 जून के लिए यह मतदान होगा और उसके लिए आज भारत निर्वाचन आयोग की ओर से चुनाव कार्यक्रम मतदान की घोषणा कर दी गई है। देखिए राजस्थान की बात की जाए तो 3 सीटों के लिए चुनाव मतदान होगा। उसके लिए जो 3 सीटें हैं, पहले बीजेपी के पास थी, तीनों नारायण पंचारिया, रामनारायण डूडी और विजय गोयल जो तीनों राज्यसभा से थे, उनकी कार्यकाल पूर्ण होने के बाद ये चुनाव की जो सीटें हैं वो खाली हुई थी, लेकिन अब इनके लिए चुनाव हो रहा है और उसके लिए बीजेपी और कांग्रेस की ओर से 2-2 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं और 3 सीटें हैं, तो ऐसे में चुनाव भी बड़ा रोचक हो जाता है। हालांकि देखिए बहुमत की बात की जाए तो संख्या बल कांग्रेस के पास है और कांग्रेस के पास 2 सीटें जाती दिख रही हैं, वहीं बीजेपी के पास 1 है, तो बीजेपी की ओर से जो एक रणनीति के तहत उम्मीदवार मैदान में एक्स्ट्रा उतारा गया है उसके लेकर भी बड़े कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी को ऐसी उम्मीद है जोड़ तोड़ की राजनीति कर वह वोटों में सेंध लगा सकती है। और देखने वाली ये बात होगी कि बीजेपी की ओर से जिस रणनीति के तहत उम्मीदवार उतारा गया है एक एक्स्ट्रा, वहीं ओंकार सिंह लखावत को बीजेपी ने जो उम्मीदवार बनाया है वो कितनी सेंध लगाने में सफल हो पाएगी। दिनेश, आपको क्या लगता है, 3 सीटें हैं, 4 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, तो क्या बीजेपी का जो एक्स्ट्रा प्रत्याशी है वो कांग्रेस के खेमे में सेंध लगा पाएगा, क्या लगता है आपको? बिल्कुल, देखिए आशीष, जिस तरह बीजेपी की ओर से घोषणा की गई थी, हालांकि पहले आधिकारिक तौर पर जब बीजेपी की ओर से चुनाव उम्मीदवारों की घोषणा की गई थी उसमें राजेंद्र गहलोत को ही बीजेपी की ओर से उम्मीदवार बनाया गया था, लेकिन जब नामांकन की अंतिम तिथि थी 13 मार्च, तो बीजेपी की ओर से एक रणनीति के तहत ओंकार सिंह लखावत को चुनाव मैदान में उतारा गया। तो बीजेपी को हालांकि उम्मीद है रणनीति के तहत जिस तरह एक रणनीति बनाई गई है प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व के इशारे पर पूरी ये प्रक्रिया रखी गई है और जिस तरह से ओंकार सिंह लखावत चुनाव मैदान में उतारा गया है, बीजेपी को उम्मीद है कि कहीं ना कहीं जो निर्दलीय हैं, देखिए 107 कुल अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस के पास 6 जो बसपा से विधायक हैं वो कांग्रेस में आए हैं, वहीं 101 कांग्रेस के पास थे, ऐसे में कांग्रेस के पास 107 विधायक हैं, वहीं 13 निर्दलीय हैं, उनमें से 12 जो कांग्रेस समर्थित हैं और
ऐसे में उनकी संभावना यही दिख रही है कि वो 13 जो निर्दलीय हैं वो कांग्रेस के साथ जाएंगे। बीजेपी को कहीं ना कहीं उम्मीद है कि वोटों में सेंध लगाने की उम्मीद है, लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि बीजेपी की जो उम्मीद है उस पर कितनी खरी उतर पाती है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। तो ये थे हमारे संवाददाता दिनेश कसाना, जिन्होंने अपडेट दी। राज्यसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। राज्यसभा चुनाव अब 19 जून को होने जा रहे हैं। बुलेटिन में बात करेंगे दुनिया भर में कोहराम मचा रहे कोरोना वायरस की।